नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। साइक्लोन निवार के नुकसान से अभी तमिलनाडु और पुडुचेरी उभर भी नहीं पाए हैं कि एक और साइक्लोन बुरेवी की आहट आने लगी है। बुरेवी की आहट ने प्रशासन और लोगों दोनों की पेशानियों पर बल डाल दिया है। IMD ने अपने ताज़ा अपडेट में बुरेवी के बारे में अलर्ट करते हुए कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव कुछ ही घंटों में खतरनाक साइक्लोन में बदल सकता है, जिसके आज शाम या रात को त्रिंकोमली के पास श्रीलंका तट से गुजरने का अनुमान है। इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दक्षिण उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण उत्तर केरल, माहे, दक्षिण तटीय आंध्र और लक्षद्वीप में भारी से भारी बारिश का अनुमान जताया है। केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा और अलप्पुझा जिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कोट्टायम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि बाकी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने मछुआरों को अगले 3 दिनों तक समुद्र में जाने से मना किया है। कन्याकुमारी प्रशासन ने अपील की है कि जो मछुआरे अपने नाव को लेकर समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने गए हैं वो भी जल्द ही वापस आ जाएं। IMD ने कहा है कि ये तूफान 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी और पास के कोमोरिन इलाके में पहुंच सकता है और इसके बाद ये पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। अभी ये कन्याकुमारी से 930 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।